वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, यू आर वॉचिंग इन्फो अरुण व्लॉग्स। सो गाइस, आज जो है व्लॉग होने वाला है कुछ डिफरेंट। यानी यूजुअली आज का व्लॉग जो है वो मेरी कार की सर्विसिंग से रिलेटेड है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। यूजुअली मैं अपनी जो सर्विस है वो शोरूम पर करवाता हूँ, बट इस बार थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एंड देखते हैं कि जो गो मैकेनिक की सर्विसेज मैंने सुनी है तो आज उसको चेक करके देखते हैं एंड देखते हैं कि वो किस तरह की जो है सर्विसिंग करके देते हैं एंड किस तरह से उनकी क्या जो वैल्यू उन्होंने मुझे बताई है उस अकॉर्डिंग क्या वो सर्विसेज दे पाते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे और इसी व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि क्या गो मैकेनिक से सर्विस करवाना, वो भी पेड सर्विस करवाना, क्या वैल्यू फॉर मनी है और क्या वो जो आपको पूरी एक डिटेल वीडियो होने वाली है। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगी। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं गो मैकेनिक के वर्कशॉप में। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं गो मैकेनिक की वर्कशॉप पर, जो कि ऑटोनेशन के नाम से है नजफगढ़ के अंदर। एंड आज हम मेरे साथ है रॉकी भाई गो मैकेनिक से। यस सर। तो वेलकम करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। थैंक्स सर। जाना चाहूंगा। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच सर। एंड जाना चाहूंगा सर, आज जो मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, हाँ जी, ये पेड सर्विस है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए गो मैकेनिक की सर्विसेज के बारे में। सर, गो मैकेनिक जो है एक बेसिकली ऑटोनेशन के नाम से ऑटोमोबाइल के प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम अपनी कार की सर्विसिंग आज पिक एंड ड्रॉप आप ले सकते हैं एंड फ्री पिक एंड ड्रॉप के साथ हम कार की सर्विसिंग कराते हैं आपके घर से पिक करा कर। और हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के सर्विसिंग पैकिंग्स है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास बेसिक सर्विस है, स्टैंडर्ड सर्विस है एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस के पैकेजेस होते हैं। सर के अंदर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रॉकी भाई हमें बता रहे हैं, आप अपनी गाड़ी की जो है इट अगेन डिपेंड आपके ऊपर कि आप कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हैं। यहाँ पर 3 तरह की सर्विसेज हैं, जो बेसिक, स्टैंडर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे मिस्टर रॉकी से। सर, हमारी जो अपनी आपकी बलिनो कार है, तो बलिनो कार के लिए हमारे पास बेसिक सर्विस है 2399 की। इसका बेसिकली प्राइस है विद GST 2399 के अंदर हम कवर करते हैं। एयर फिल्टर चेंज होता है आपकी गाड़ी का, एयर फिल्टर की क्लीनिंग होती है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होगा आपकी गाड़ी का, वाइपर फ्लूड टॉपअप होता है, कूलेंट टॉपअप होता है, स्पार्क प्लग की क्लीनिंग होती है एंड डीजल कार है तो हीटर प्लग क्लीन होते हैं आपकी गाड़ी में, और कार वॉशिंग होती है। ये आपका 2399 का पैकेज है विद GST, जो आपकी पेट्रोल कार के लिए है, बलिनो कार के लिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करें स्टैंडर्ड सर्विस के लिए, तो स्टैंडर्ड सर्विस हमारी 2899 की है, जिसमें हम एयर फिल्टर की चेंज की पॉलिसी है। स्टैंडर्ड एयर फिल्टर चेंज होता है, एसी फिल्टर क्लीन होता है एंड ब्रेक फ्लूड टॉपअप होता है, ब्रेक पैड्स दोनों सर्विस होते हैं, और ये आपका बेसिक सर्विस के सारे जितने कंपोनेंट्स हैं ये सारे इसमें ऐड ऑन होते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड के अंदर आपको बेसिक प्लस ये सारे जो आपने मुझे जी बताया, जिसमें कार स्कैनिंग भी, जी कार स्कैनिंग भी इंक्लूड होती है, ये आपका स्टैंडर्ड में कवर होता है 2899 के अंदर। तो ये आपको अप्रोक्स कॉस्ट करेगा इंक्लूडिंग GST आपको 2899 में। जी विद GST 2899। और वैसे ही हम अगर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस की बात करें, तो ये आपका एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिक सर्विस जो है वो आपकी अप टू 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के बाद आप कराते हैं, और स्टैंडर्ड सर्विस जो हमने गो मैकेनिक की दी हुई है, जो आप 6 महीने के बाद या 10000 किलोमीटर के बाद आपने करानी होती है, ये आपकी स्टैंडर्ड सर्विस है। राइट जी। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस कराते हैं तो उसके अंदर आपका बेसिक, स्टैंडर्ड प्लस में आपका व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, फ्यूल फिल्टर चेंज, गियर ऑयल टॉपअप, कार वॉश एंड पेट्रोल में थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग के साथ, ये पैकेज आपका 5399 का विद GST पड़ता है आपको। 5399 जी का आपको कॉम्प्रिहेंसिव पड़ता है। और ये कितने किलोमीटर तक कवर करता है? ये आपका 20,000 किलोमीटर और 1 साल के बाद आपने ये सर्विस करानी होती है, जो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस है। तो यस गाइस, इस तरह के जो पैकेजेस हैं वो आपको गो मैकेनिक पर मिलने वाले हैं। तो आज जो मैं पैकेज ले रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड पैकेज,
जो मुझे कॉस्ट करेगा अराउंड 2899 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड लेट्स सी, उसमें हमें लास्ट में देखेंगे कि क्या जो है रॉकी भाई क्या डिस्काउंट हमें दे सकते हैं, क्या ऑफर जो है अभी, क्योंकि चलते रहते हैं किसी तरह के। हाँ जी, हाँ जी, डिस्काउंट्स हमारे अभी चल रहे हैं फिलहाल गो मैकेनिक पे। जो आप डिस्काउंट्स की बात करें तो आप पैकेज के साथ आप स्टैंडर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव के साथ 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, या फिर आप अभी गर्मियों को सीजन स्टार्ट हुआ है तो हमने एसी, फ्री एसी गैस टॉपअप का भी अभी हमने इंक्लूड किया है, आप फ्री एसी गैस टॉपअप करा सकते हैं पैकेज के साथ, या फिर आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं पैकेज में, या फ्री अलाइनमेंट कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ आप कूपन अप्लाई करा सकते हैं। तो अगेन आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको क्या चीज़ जो है आपकी प्रेफरेंस है। तो इस तरह की जो है आप देख रहे हैं, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है गो मैकेनिक पे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बीच में आपको कुछ छोटी छोटी क्लिप्स दिखाते रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसा कि रॉकी भाई ने बताया ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे जो है गाड़ी की सर्विस में लगने वाले, 3 से 4 घंटे लगने वाले। 4 घंटे की वीडियो तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ हम आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाते रहेंगे बीच में, जिसमें गाड़ी में कुछ काम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं हमारी गाड़ी की सर्विस। हमारी गाड़ी का जो है सारा इंजन ऑयल यहाँ निकाल के रख दिया है, और ये क्या चीज़ें हैं? ये ऑयल फिल्टर है एनजीपी जेनवन, ये आपका ऑयल फिल्टर एंड ये एयर फिल्टर आपकी गाड़ी में लगने वाला है। सो अगेन गाइस, जेनुअन चीज़ें हैं और जेनुअन ही लगेंगी। एंड इसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है ये इसमें फिट होगा, एंड इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अपनी आंखों के सामने आप काम करवा सकते हैं किसी तरह की, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ होंगी आपके सामने होंगी, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है, आप चाहे तो अपनी गाड़ी के सामने खड़े होकर सारा काम करवा सकते हैं, इनको इसी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। तो होने देते हैं काम को गाइस, एंड देखते हैं। तो गाइज़, फाइनली जो है एक बार हम अपने ब्रेक पैड्स खुलवा के देख रहे हैं, देखते हैं भैया से पूछते हैं कि भैया क्या कंडीशन है ब्रेक पैड की, एक बार ज़रा बताएंगे। भैया ब्रेक पैड आपके एकदम डाउन है, इसमें मुश्किल से 10% लेदर रहता है, फिर उसके बाद लो आ जाएगा जो आपकी डिस्प्ले को ख़राब कर सकता है। तो गाइज़, ब्रेक पैड की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट 10% बचे हुए हैं, तो इससे हो सकता है डिस्क पैड को नुकसान, तो हम ब्रेक पैड डेफिनेटली जो है चेंज करवाएंगे और देखते हैं कंडीशंस। आई थिंक मुझे दोनों साइड की फिर ऐसी ही लग रही है, तो दोनों साइड के ब्रेक पैड ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। सो गाइस, एक बार रोगी भाई से पूछते हैं, रोगी भाई क्या फिर रिकमेंड करोगे कि कौन से ब्रेक पैड्स, जो आपने अभी देखा ब्रेक पैड्स आपकी कार की चेंज की कंडीशन है जी, ब्रेक पैड्स आपकी कार के चेंज होने हैं, तो हमारे पास जो गो मैकेनिक है ब्रेक पैड्स दोनों ही तरह के प्रोवाइड कराती है जी, OEM एंड OES प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो अपना जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं मारुति के, वो 2125 के हैं, जो आप देख सकते हैं MGP जेन्युइन है ये प्रोडक्ट जी, 2125। तो ये हमें ऑलमोस्ट 2125 रुपये का पड़ने वाले हैं ब्रेक पैड। एंड अगर आप बॉश में जाएं तो आपके पास बॉश के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है, इसका प्राइस आपका 1083 ओनली, यानी 1083 रुपये, तो ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क पड़ेगा जी। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि हम तो जो है MGP के ही डलवाएंगे जी। MGP में ये आपको बेसिकली ये मिलता है कि अगर आप बॉश में ना कई बार कार में नॉइज़ आने लगती है ब्रेक पे जी, बट आपका MGP में इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आती, और बिल्कुल हम जो है जेन्युइन पे ही जाएंगे, तो जब सारी चीज़ें जेन्युइन डल रही हैं तो ब्रेक पैड भी हम जेन्युइन ही डलवाएंगे, तो आप MGP के जो है इंस्टॉल करवा दीजिए। तो भैया अभी हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं? भैया मेनली आपका काम हो चुका है, जनरल चेकअप रहता है बस, जो पूरी गाड़ी जहाँ A to Z चेक की जाएगी, और इंजन ऑयल डालना है, एयर फिल्टर डालना है बस, तो ऑलमोस्ट बाकी सारा ब्रेक पैड वगैरह सब हमने चेंज कर दिए हैं, रियर सेक्शन पे भी आपने क्लीनिंग कर दी है जी जी। तो अब डलेगा इसमें नॉर्मल चेकअप होगा गाइस, एंड उसके बाद डलेगा गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल, तो देखते हैं।
भैया एक बार थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए कि एयर फिल्टर का कैसे पता लगे कि एयर फिल्टर अब ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा बताएंगे। सर इसमें यहाँ पे दिखाई देता है साफ साफ क्लियर, इसमें पूरा डस्ट होल्ड हो चुका है। अगर okay. एयर फिल्टर कुछ बोलते हैं कि एयर फिल्टर क्लीन करके लगा दो, एयर फिल्टर क्लीन करके करना ठीक नहीं होता। okay. इसमें डस्ट होल्ड हो जाती है जो धीरे धीरे यहाँ से पास होने लगती है, फिर अपना थ्रोटल होती है, थ्रोटल में होल्ड हो जाती है सर। तो उसकी वजह से आरपीएम फ्लक्चुएट करना, ब्रेक मारने पे गाड़ी बंद होना, ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पिकअप नहीं लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से फिर अपनी स्पार्क प्लग वगैरह की लाइफ ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो आपके हिसाब से रिकमेंडेड है कि अगर एक बार आपका जो है एयर फिल्टर अगर ख़राब हो तो बेटर उसको चेंज ही करवा लेना चाहिए। लगभग हर सर्विस पे एयर फिल्टर चेंज होना ही चाहिए। बीच बीच में अगर आपको नॉलेज होती है तो आप बीच में अगर आप एयर फिल्टर क्लीन कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। हल्का हल्का अगर क्लियर कर ले, बट अगर जैसे इसमें है बहुत ज़्यादा चोक हो चुका है। हाँ जी, तो इसमें भी हम अगेन गाइस मारुति का ही जेन्युइन एयर फिल्टर इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो है नेक्स्ट सर्विस पे, यानी जो हमारी नेक्स्ट सर्विस आएगी 1 साल या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाएगा, तो उस सर्विस पे इसके बाद हम जो है चेंज करवाएंगे। रॉकी भाई, इंजन ऑयल हमें कौन से वाला मिलने वाला है इसमें? सर आपकी कार के लिए जो है, आपकी कार है मारुति, तो मारुति और हुंडई के लिए रिकमेंडेड ऑयल है मोबिल। तो ये बेसिकली मोबिल का जो बैरल है वो गो मैकेनिक ही वर्कशॉप को प्रोवाइड कराती है जी। तो ये 100% जो है सिक्योर ऑयल है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्मल ऐसे बैरल वाला ऑयल है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फिर किसी तरह का कोई चैलेंज तो नहीं आएगा, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं आएगा कार के साथ। ऑयल जो है दोनों ही सेम रहता है, आपका सिंथेटिक ऑयल और ये 5W ग्रेड का फर्क है बेसिकली। ऑयल जो है जेन्युइन होता है आपका, मोबिल 5W30 है। तो बिल्कुल, तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, तो मैं यूजुअली सिंथेटिक नहीं डलवाता हूँ, मैं नॉर्मल वाला ही डलवाता हूँ जो बैरल ऑयल होता है। एंड देखते हैं हमारे सामने ही भैया जो है अभी फिल करेंगे, तो ऑलमोस्ट कितने लीटर, 3.5 लीटर के आसपास जो कार में 3.5 ही आएगा सर। तो हमारी गाड़ी में डलेगा लगभग 3.5 लीटर इंजन ऑयल। तो ये देखिए बिल्कुल सामने जो है डाल रहे हैं, कभी भी ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आपको दिखा रहे हैं बस फिल करके ला रहे हैं। तो भैया ने स्पेशली बोला कि आपके सामने हम जो है फिल करके आपकी गाड़ी में डालेंगे। तो गाइस नो डाउट जो बैरल्स हैं इसमें भी, इसके भी अंदर भी जो है इंजन ऑयल जो होता है वो आपका अच्छी क्वालिटी का होता है। तो आप जो है ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ सिंथेटिक पे ही यूज़ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बट यूजुअली रिकमेंडेड है कि आप नॉर्मल बैरल ऑयल भी डलवाएंगे तो उसकी लाइफ भी उतनी ही होती है। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी में जो लास्ट काम है वो है इंजन ऑयल का। तो इंजन ऑयल हमारी गाड़ी में डल रहा है, तो लेट्स सी इसके बाद और क्या काम रह गया भैया हमारी गाड़ी में? बस वॉशिंग कार स्कैनिंग। ओके, तो वॉशिंग रह गई है और कार स्कैनिंग रह गया है जी। एसी फिल्टर क्लीनिंग रह गई है, अभी एसी फिल्टर की क्लीनिंग होनी है जी। तो ये छोटे छोटे काम रह गए हैं, मेजर काम हमारी गाड़ी में हो चुके हैं, तो जो छोटे छोटे काम हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे एंड उसके बाद दिखाएंगे आपको एक फाइनल एक्सपीरियंस रॉकी भाई के साथ। तो बने रहिए इन फॉर उन व्लॉग्स पे। सो गाइस हमारी गाड़ी का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, तो अभी जो है अपनी गाड़ी जा रही है वॉशिंग पे। ऑलमोस्ट सारा काम इंजन ऑयल से लेकर और सारी चेकिंग वगैरह स्कैनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो अभी गाड़ी फाइनली हमारी जा रही है वॉशिंग पे। देन उसके बाद गाड़ी हो जाएगी साफ एंड फिर देखते हैं क्या हमारा फाइनल जो है बिल बनता है एंड डेफिनेटली उस पर क्या डिस्काउंट वगैरह क्या कुछ हमें मिलेगा, वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो होने देते हैं एक बार गाड़ी को क्लीन और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, तो इस तरह की गाड़ी आपको जो है दिखने वाली है, मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज मैं कहना चाहूँगा गो मैकेनिक की वर्कशॉप से मेरे को मिला है। अगर मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी दिखाना चाहूँ अंदर से, बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में पूरी तरह से सीट्स को कवर करके मुझे दिया गया है, स्टेयरिंग कवर एंड इसके अलावा यहाँ पर मुझे मिला है गो मैकेनिक का टिश्यू बॉक्स और यहाँ पर मिलेगा एक थैंक यू कार्ड दिया है। इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मुझे चीज़ मिली है गो मैकेनिक की तरफ से, जिसमें एक छोटा सा की चेन एंड एक पेन। ऑल दो वेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट
काफ़ी मतलब अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को, और बड़ी अच्छी तरीके से आप देखेंगे एक बार गाड़ी को पूरी, जिस तरह से गाड़ी आई थी और अब अगर गाड़ी की एक बार कंडीशन देखेंगे तो पूरी तरह से गाड़ी को बहुत अच्छी कंडीशन में पूरी अच्छी सर्विस हुई है मेरी गाड़ी की। एंड अगेन यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मिलता है आपको को मैकेनिक का एक स्टिकर। तो अगेन आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, और गाड़ी की एक बार आपको मैं फ्रंट से कंडीशन दिखाऊं तो इस तरह की कंडीशन आपको जो है गाड़ी की मिलेगी। पूरी गाड़ी बढ़िया तरह से सर्विसिंग से लेके एंड वॉशिंग तक का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अब चलते हैं एंड मिलते हैं एक बार मिस्टर रॉकी से एंड देखते हैं कि क्या बिल जो है हमारा फाइनलाइज हुआ है, क्या डिस्काउंट उस पर हमें मिलेगा। तो चलते हैं हम बात करते हैं रॉकी से। सो गाइस हमारे साथ है रॉकी भाई। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी की सर्विस और कंप्लीट सर्विस हो चुकी है, ओवरऑल सर्विस जी। अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए कि क्या जो है चार्जेस आपने लगाए हैं और कितना डिस्काउंट जो है इस पर हमें दिया। अपना जो बेसिकली सर्विस का पैकेज था वो स्टैंडर्ड सर्विस था आपका जी 2899 का, जिसपे आपकी कार में अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने इस पर 10% डिस्काउंट अप्लाई किया है 2899 पे। तो आपका 2609 आपका अमाउंट आया फाइनल अमाउंट। एंड आपकी कार में ब्रेक पैड्स की रिक्वायरमेंट थी तो हमने वो ब्रेक पैड्स चेंज कराए हैं, जो जिसकी कॉस्टिंग 2105 थी। और एक एसी का फिल्टर आपकी कार में क्लीनिंग चेंज की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने चेंज कराया। एग्जैक्टली तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने एडिशनल इसमें करवाई हैं, वो है मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाए हैं जो मुझे अराउंड 2150 रुपये ओरिजिनल MGP के पड़े हैं, और इसी के साथ हमने AC फिल्टर करवाया जो कॉस्ट करा है अराउंड 350 रुपये। ये सब चीज़ें लगा के मेरी सर्विस ऑलमोस्ट आ गई है 5000 के अराउंड, यानी 5050 रुपये के आसपास जो है जी। बट अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज की तो बहुत अच्छी तरह से, इनफैक्ट मैंने बहुत क्लोजली जो है चीज़ों को देखा और काफ़ी परेशान भी किया उन भैया को जो सर्विस कर रहे थे। बट अगेन आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है, तो मैंने उनसे वही चीज़ें पूछी एंड मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ जो सर्विसेज मुझे दी गई हैं। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि गाइज आप जो है गो मैकेनिक पर एक बार ज़रूर आएँ और ज़रूर जो है एक बार यहाँ पर सर्विसिंग करा के देखें। थोड़ा सा अगर हमें बताइए रॉकी भाई कि अगर पिक एंड ड्रॉप का जो रहता है वो क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर? जी, पिक एंड ड्रॉप का क्राइटेरिया ये रहता है कि आप सर्विसिंग के रिलेटेड अगर आप पिक एंड ड्रॉप चाहते हैं तो कोई भी कार की सर्विसिंग के लिए आप पिक एंड ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, आप पिक एंड ड्रॉप करा सकते हैं। अगर आपने अगर कोई ड्राई क्लीनिंग या रबिंग पॉलिश डेंटिंग पेंटिंग रिलेटेड कोई काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पिक एंड ड्रॉप सर्विसिंग हमसे ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम जो अमाउंट का क्राइटेरिया होगा? जी, मिनिमम अमाउंट का सर क्राइटेरिया रहता है मे बी 1200 से ऊपर का अगर बिलिंग रहता है तो हम पिक एंड ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब प्रोवाइड कराते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपकी जो जो भी चीज़ें, यानी आप कोई सर्विस भी ले रहे हैं कुछ भी ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसका जो अमाउंट है इट वुड बी समवेयर अराउंड 1200। तो आपको पिक एंड ड्रॉप भी जो है वो गो मैकेनिक की तरफ से, यानी यहाँ पर आपको पिक एंड ड्रॉप फ्री मिलेगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं शॉप की, तो ये शॉप आपकी किस दिन ऑफ रहती है? ये सर बेसिकली हमारा जो मंडे को क्लोज रहता है, हमारा वीकली ऑफ रहता है मंडे को। ओके। और बेसिकली 6 डेज ओपन है वर्कशॉप। तो 6 डेज ओपन रहती है, 10 to 7 के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। एंड यहीं पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा रॉकी भाई से एक बार अपना नंबर शेयर करें ताकि किसी भी हमारे व्यूवर को अगर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग फॉर द सर्विस या फिर उनको कोई पिक एंड ड्रॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपको रीच आउट कर सकें। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं जो गो मैकेनिक है, 8800-4974। एंड हमारा गो मैकेनिक का ऑफिशियली नंबर है 8300-8300। तो गाइस इस नंबर पर आप जो है 6 डेज कभी भी कॉल कर सकते हैं, मंडे छोड़ के आपको डेफिनेटली अच्छी सर्विसेज दी जाएंगी। एंड मैं तो अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं तो बहुत आई एम क्वाइट सेटिस्फाई विद द सर्विसेज जो मुझे दी गई हैं। बहुत अच्छी तरह से गाड़ी को बिल्कुल वैक्यूम से लेके और सर्विसिंग तक A to Z जो है मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज मिली है। सर्विसिंग रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म करना चाहूँगा, जैसे कि सर्विसिंग में आपको गो मैकेनिक की तरफ से फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज मिलते हैं एंड आपको 1 मंथ की सर्विसिंग की वारंटी भी मिलती है आपको जी। सर्विस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है आपको 1 मंथ की सर्विसिंग वारंटी आपको गो मैकेनिक प्रोवाइड कराती है, ये आप हमारी तरफ से मिलता है आपको। सो गाइस इस तरह के आपको ऑफर्स जो हैं एंड इट टाइम टू टाइम आपके ऑफर्स भी चेंज होते रहते हैं। तो आज जो मुझे ऑफर मिला है दैट इज़ मेरी जो सर्विसिंग की कॉस्ट थी उस पर 10% मुझे डिस्काउंट मिला है। तो इट अगेन वेरी आप किस टाइम सर्विस करवाने आते हैं उस टाइम क्या ऑफर्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा अप डाउन हो सकता है। सो गाइज़ यही था आज के लिए। यूजुअली मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया मैं जो है कंपनी में ही सर्विस करवाता हूँ, बट फर्स्ट टाइम जो है मैंने थोड़ा फॉर ए चेंज, और ताकि मेरे व्यूवर्स को भी पता लगे कि अगर आप कंपनी के अलावा अगर आप गो मैकेनिक या बाहर कहीं से कराते हैं तो आपको कितना डिफरेंस मिलता है और क्या चीज़ें जो हैं उसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं मुझे जो भी चेंजेस इसमें करवाने थे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनसे।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, दोबारा आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड दबा दीजिए बेल आइकन को। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।